शंकर ने खुद इसका खुलासा किया है कि आखिरकार फुकरा इंसान के साथ वो प्यार का नाटक क्यों कर रही थी। या तो आप लोग पूरी अपडेट जानने के बाद ये भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जिया शंकर एक बार फिर से मनीषा रानी की कॉपी करने की कोशिश कर रही है, या तो आप बोल भी सकते हैं कि भाई मैं इस चीज का कोई अलग मतलब निकाल रही हूँ, पर जो भी है भाई वही सब चीजें बोल रही हूँ। जिया शंकर जो है, मनीषा पहले बोलती है, मनीषा के मुंह से ऐसी चीजें पहले भी निकली हुई है। मनीषा बोलती है कि जो लड़का लोग बहुत शर्माते हैं ना, उनके साथ फ्लर्ट करने में काफी मजा आता है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है और फ्लर्ट करे ना तो अच्छा लगता है उन लड़का लोगों के साथ जो कि शर्माते हैं। पर अगर ऐसा हो कि हाँ जो लड़का शर्मा नहीं रहा उनके साथ फ्लर्ट किया जाए और फिर वो आगे से भी फ्लर्ट कर दे, तो हम ना वो चीज वहीं के वहीं रोक देते, नहीं तो ये प्यार एंगल में चला जाता है, इसीलिए ये उस चीज को हम करते नहीं है। जहां पर जिया बोलती है हाँ मेरा भी ऐसा ही सेम है, ये अभिषेक के साथ भी मैं ऐसी चीजें करती थी, मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि ये बहुत शर्माता है और ये ना बोलता ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी आप लोग बताइए कि भाई जिया शंकर इस चीज के कारण मस्ती कर रही थी क्योंकि उसको वो फुकरा इंसान एक्चुअली में वो करते हैं, शर्माते हैं, फुकरा इंसान इतना भी शर्माते नहीं, चूटी काटते हैं, पेट पे काटते हैं, थाइस पे काटते हैं, हक करके बैठे रहते हैं, अभी भी उन्होंने हाथों में हाथ डाल के बैठे थे, तो ये तो एक्चुअली में सामने से रिस्पांस मिल रहा है ना, तो मनीषा को तो नहीं मिलता इतना रिस्पॉन्स, ना जदादिल से मिला, ना तो एल्विस से मिला, तो वो उनके साथ करते, पर जो चिपकता है उनके साथ नहीं करेगी। तो अब आप बताइए आपका क्या कहना है इसके ऊपर, जो मेरा कहना था मैंने बता दिया। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।